पृष्ठ संख्या एक, पाठ एक, परिचय। इतिहास वो नहीं कहानी जिसमें केवल राजा रानी, उनका जीवन उनका राज, उनकी सेना उनके काज, जीत किसी की हार, रथ घोड़े हाथी तलवार, मंत्रियों और मुलाजिमों से सजा हुआ दरबार, महलों का और युद्धों का ही नहीं है ब्यौरा इसमें आज, आम लोगों की भी इसमें गूंज रही है अब आवाज। आम लोग तब क्या करते थे? आम लोग तब क्या करते थे, कैसे करते गुजर बसर, युद्धों और हार जीतों का उन पर पड़ता क्या असर? महिलाएं तब क्या करती थीं और बच्चे क्या करते थे? इतिहास के सब कालों में वो सब भी तो बसते थे। सबका जीवन, सबकी शैली, लोक कला और तीज त्योहार, सबका जीवन, सबकी शैली, लोक कला और तीज त्योहार, इतिहास में आज सभी हैं, नहीं खास कोई, न है आम। हाँ, इतिहास में आज सभी हैं, नहीं खास कोई, ना है आम। इतिहास में ये सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स बालिकाओं को भारत के विविधतापूर्ण इतिहास की संक्षिप्त जानकारी देने के लिए बनाया गया है। इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि मनुष्य किस प्रकार अपने प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश को समझने का प्रयास करता रहता था और किस प्रकार वो अपने जीवन को सरल से अधिक जटिल बनाता चला गया, अर्थात खाना, कपड़ा और आवास की जरूरतों को पूरा करने के क्रम में उसने किस प्रकार से मनोरंजन, रोजगार आदि की जरूरतों को पूरा करना शुरू कर दिया। स्वयं को जीवित रखने के लिए मनुष्य प्रकृति के रहस्यों को समझने का सतत प्रयास करता रहा है। मानव ने सुरक्षा, उत्पादन, परिरक्षण और संरक्षण करना सीखा। इससे उसका जीवन अधिक व्यवस्थित और स्थिर हो गया। क्यों पढ़ें हम इतिहास? इतिहास एक रोमांचक यात्रा है। ये यात्रा तुम्हें समय और संसार के आर पार ले जाती है। आज हम जिस दुनिया में हैं, उसे बनाया है हमसे पहले आए लोगों ने। उनके जीवन के सुख दुख, अपने युग की समस्याओं से जूझने की उनकी कोशिशें, उनकी खोजें और आविष्कार, इन्हीं के ताने बाने में तो मानव समाज बदला। हम लंबे अंतराल में धीमे धीमे होने वाले परिवर्तनों का असर इतिहास के झरोखे से देख पाते हैं। इतिहास पढ़कर हम समझ पाते हैं कि आधुनिक दुनिया अनेक सदियों से हो रहे बदलावों का परिणाम है। सेतु पाठ्यक्रम के विषयों का चयन इस प्रकार किया गया है जिससे कि बालिकाओं को ये समझने में सहायता मिले कि मानव ने पृथ्वी पर जीवन किस प्रकार शुरू किया था। इस पाठ्यपुस्तक में ऐसी कुछ खोजों और आविष्कारों का उल्लेख किया गया है जिनसे मानव जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आना शुरू हुआ। साथ ही इसमें प्राचीन शहरों के क्रमिक विकास का उल्लेख किया गया है। पुस्तक में ये भी बताया गया है कि प्राचीन काल में समय समय पर भारत की सुगम सीमाओं को पार करके किस प्रकार अन्य देशों से लोग यहाँ आकर बसते रहे। देशी और विदेशी जन समुदाय के बीच जो परस्पर क्रिया होती रही उसका प्रभाव आज भी स्पष्ट दिखता है। ऐसी परस्पर क्रियाओं का प्रभाव वस्त्रों,
भोजन, संगीत, कला और वास्तुकला पर आज भी दिखाई देता है। पुस्तक के अंतिम अध्याय में कुछ ऐसे प्रमुख पुरुषों और महिलाओं के योगदानों के बारे में बताया गया है जिन्होंने सामाजिक असमानता और राष्ट्रीय अभिमान के मुद्दों को अपना लक्ष्य बनाया था। सेतु पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि हमारा इतिहास विविधतापूर्ण रहा है और हमारी सांस्कृतिक विरासत ऐसे पुरुषों और महिलाओं के योगदान पर आधारित है जो समाज के विभिन्न वर्गों के थे। इतिहास के सेतु पाठ्यक्रम को इसी विषय की एक अन्य पुस्तक के रूप में नहीं मानना चाहिए। ये भारत के विविधतापूर्ण इतिहास को दिलचस्प बनाने और अन्योन्य क्रियात्मक अर्थात स्वयं करके देखो विधि के जरिए समझने का एक अच्छा प्रयास है। सुझाए गए विभिन्न क्रियाकलापों से बालिकाओं को इतिहास और वर्तमान के बीच की कड़ी को जोड़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे इतिहास उनके सामने जीवंत तो हो जाएगा। विभिन्न अध्यायों में बताए गए क्रियाकलापों में विभिन्न क्षेत्रों में स्थित KGBV विद्यालयों के स्थानगत संदर्भ के अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं। बॉक्सों में दी गई सामग्री और कविताओं का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है अथवा उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं। इतिहास वो नहीं कहानी, इतिहास वो नहीं कहानी जिसमें केवल राजा रानी, हाँ, जिसमें केवल राजा रानी उनका जीवन उनका राज, उनका जीवन उनका राज, उनकी सेना उनके काज, उनकी सेना उनके काज। इतिहास वो नहीं कहानी। किसी की किसी की हार, रथ घोड़े हाथी तलवार, मंत्रियों और मुलाजिमों से सजा हुआ राज दरबार, सजा हुआ राज दरबार, सजा हुआ राज दरबार। महलों का और युद्धों का ही नहीं है ब्यौरा इसमें आज, आम लोगों की भी इसमें गूंज रही है अब आवाज, गूंज रही है अब आवाज, गूंज रही है अब। इतिहास वो नहीं कहानी। लोग तब क्या करते थे, कैसे करते गुजर बसर, युद्धों और हार जीतों का उन पर पड़ता था क्या असर, उन पर पड़ता था क्या असर, उन पर पड़ता था क्या असर। महिलाएं तब क्या करती थी और बच्चे क्या करते थे, इतिहास के सब कालों में वो सब भी तो बसते थे, वो सब भी तो बसते थे, वो सब भी तो बसते थे। इतिहास वो नहीं कहानी। सबका
का जीवन सबकी शैली लोक कला और तीज त्योहार इतिहास में आज सभी हैं नहीं खास कोई ना है आम नहीं खास कोई ना है आम नहीं खास कोई ना है आम इतिहास वो नहीं कहानी इतिहास वो नहीं कहानी जिसमें केवल राजा रानी हाँ, जिसमें केवल राजा रानी उनका जीवन उनका राज उनका जीवन उनका राज उनकी सेना उनके काज उनकी सेना उनके काज इतिहास वो नहीं कहानी इतिहास वो नहीं कहानी।